स्मेल करके देख लो बेटा, जो अच्छी लगे वो लगा लो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी हम लोग अभी उठे हैं, तो अयान तो उठते से नहा लिया है और वो तैयार हो रहा है, और हारिश अभी सो रहा है, और मैं उसको सोने भी दूंगी, क्योंकि अगर मैं उसको उठा दूंगी ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो उठते से बस मेरे पास रहता है, कुछ करने भी नहीं देता है, इसलिए बस मैंने सोचा पहले मैं सबको तैयार कर दूँ, अयान को, इनके पापा को, उसके बाद हारिश को उठाऊँगी। एक बच्ची का है, एक सब अच्छा, उसका नाम हारिश है। क्या मुझे ऐसी दीवा? चलो ठीक है, मेरा गिफ्ट है दीदी मेरी, लेकिन फिर भी मैं आपको घुमा दे तो शाम को वापस ले, जल्दी आओ मेरे पास। ताई है? हाँ, उसको बोलते हैं ताई। ये भाई साहब चेहरा दिखा रहे हैं और ये नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, इसका मजाक नहीं बनता, वो अच्छा है। हर शाम में पहले नमाज अच्छे बच्चे नहीं लेते अच्छा, सबको तैयार कर दिया मैंने, लेकिन अभी ये लोग अभी सब तैयार हो चुके हैं और सभी अब नमाज पढ़ने गए हैं। मैं रूम साफ कर लूँ उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। छत पे ढूंढ लिया अच्छा जी, हो गया रूम साफ, हमें जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा, आज ईद का दिन जो है, तो फिर बस इसलिए मैं जा रही हूँ रूम में तैयार होने के लिए। अभी आया नरेश पापा के साथ मार्केट गए हैं, पापा को सामान लेने गए हैं, तो बस। ये रही मेरी ड्रेस और ये मेकअप, ये चूड़ियाँ, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। मतलब तो 50-50 ही दी लेती, पागल हो गए क्या? दस दिन से बैठे पता नहीं, दस दिन से इतने काम में बैठा इंसान, एक दिन के 50 भरते हैं। सलाम हो जाएगा। वालेकुम सलाम। अच्छी है। सलाम। हाँ तो ये देखो, और तुम अच्छा देखो। ये है मेरा ड्रेस और तैयार भी हो चुकी हूँ मैं। अच्छा, अभी मैंने नमाज पढ़ी है, और अभी मैं नमाज पढ़ने के बाद तैयार हो गई थी, और उसके बाद फिर मैंने श्री खुरमा लेना है, तो अभी हम लोग चलते हैं किचन में, श्री खुरमा लेंगे, क्योंकि उसी से हम लोग आज के दिन रोज़ा खोलते हैं। तो दीदी तो इन्होंने देख के चले गए हैं, बाल मैंने नहीं बनाए थे,
तो बस यही देने लगे तो मैं ऐसे ही चली गई। और अभी अभी बस मैंने बाल बनाए हैं, तो बस अभी जाते हैं हम लोग किचन में तो श्री खुरमा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग गई और आज के दिन श्री खुरमा से ही हम लोग रोज़ा खोलते हैं। एक तरीके से रोज़े ही खोलना होता है, तो सुबह 9 बजे 10 बजे जब भी आपका श्री खुरमा रेडी हो जाता है तो आप श्री खुरमा ही लेते हो सबसे पहले फाते के बाद, उसके बाद ही कुछ आगे लेते हो। तो चलते हैं किचन में। अच्छा नहीं लगा आपको? कम मीठा लगा है, बनता बेता नहीं है ये। अच्छा बाहर के बनाया तो शक्कर भी तो कम है। जी अम्मी हाँ खा लेंगे। निकालूं दादी अभी? हाँ निकाल। नहीं नहीं निकाल खा लें। हाँ अभी मना कर रही था। हाँ अब वो हमको फोन लगा दे। अच्छा अम्मी के रूम में चलते हैं, देखते हैं अम्मी और बाजी क्या कर रहे हैं। बेइज्जती कर दी पर मैं। अच्छी लग रही है अम्मी साड़ी, बहुत अच्छी लग रही है, खुल भी बहुत रही है आपके ऊपर। दादी भी पहन लेती हैं। हाँ की पापा सिमैया लाऊं? ठीक है करता ना दादी, अब बोल तो रही हूँ मैं उससे, अब आइंदा से मत बनाना भैया, सुन भी लेना चाहिए यार किसी की। करेगा ना नुकसान। अरे मत डालेगा छोटा ना, ये ध्यान से यार दादी हैरान, तुम पीछे लग गए हो यार बेटा, ये ध्यान से गला दे रहा है छोटा ना। दादी एक घंटे से लगी पीछे, तुम सुन नहीं रहे बिल्कुल। अरे ये ऐसे कोई खाता पीता थोड़ी ऐसी चीज, बस सो जा लिया है नाता लग गया है। तुम खाओगे ईदी तो तुमने बहुत अच्छे से ले लिया, ईदी दे दो ईदी दे दो। अब ईदी देने वाले तुमको सब्जी खिलाएंगे तो क्या मना करोगे? चुपचाप खा लेना, नहीं तो ईदी वापिस दे देना। चलो ठीक है खा लूंगा। दोनों भाई खाएंगे आज तू? हाँ तो दोनों भाई खाएंगे ना, वो जो नहीं खाएगा उसकी ईदी ले लूंगी मैं। अरे दादी उसको बहुत पसंद है। अच्छा 2 बज रही, अजान हो चुकी है तो मैं सोच रही हूँ अब नमाज पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये लोग भी मस्जिद गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो ये लोग आएंगे तब तक मेरी भी नमाज हो जाएगी, फिर हम लोग खाना खाएंगे। आज का पूरा दिन हम लोगों का बात करने में ही निकला है और अब मगरिब हो गई, लेकिन अभी तक फ़ोन आ रहे हैं और दादी बुआ से बात कर रही है, छोटी बुआ से।
अच्छा अभी बाजी की फ्रेंड्स गई हैं और अभी इनके दोस्त और पापा के दोस्त भी आने वाले हैं, तो हम लोग सोचे थे दोनों अलग अलग आते तो थोड़ा अच्छा रहता है, हम लोग आसानी से संभाल लेते, लेकिन अभी टाइम दोनों को अलग अलग दिया था, लेकिन शायद दोनों एक ही वक्त पे आ जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं जाऊँगी किचन में शीरखुरमा बनाने के लिए, तो देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं। वैसे मैं चाह रही हूँ सब अलग अलग आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं जो भी। पापा के ना बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं ये, मतलब इतने पुराने उनके स्कूल टाइम के हैं, और ये पहले कभी नहीं मिले स्कूल से, ये लोग अलग हो गए थे कॉलेज से, उसके बाद सीधा अब मिलेंगे, तो बहुत दिलचस्प स्टोरी है इनकी, कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मम्मी क्या हो गया, मैंने आज आपसे वीडियो नहीं बनाई इसलिए आप गुस्से में बैठे क्यों? मुझे दिन भर आपकी जब वीडियो बनाती है जब आप बनवाती हैं, और आज आप गुस्से में बैठी हैं, ब्लर फोटो आ रही है, बाजू में झाड़ू और कचरा नजर आ रहा है, क्या इंसान वीडियो बनाएगा। तो जी ईशा का टाइम हो गया है और पापा के दोस्त भी आके चले गए, इनके दोस्त भी आके चले गए। हम लोगों ने तो काफ़ी इंजॉय किया आज का दिन, क्योंकि पिछले 2 सालों से हम लोग ईद अच्छे से नहीं मना पा रहे थे लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से, लेकिन इस साल ऐसा कोई माहौल नहीं था तो सब ने बहुत अच्छे से ईद मनाई, सब एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के घर गए, तो बस इसीलिए तो ईद और सारे त्यौहार अच्छे लगते हैं जब आप एक दूसरे से मिलते हो। तो बस आज बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी बहुत अच्छी ईद मनाई होगी, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बस इसी के साथ अब मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, और मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय।